हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप स्वागत करता हूँ टेक्निकल ज्ञान चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ दिल्ली दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों, बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल का अभी विज्ञप्ति जारी कर दी है स्पेशल बोर्ड ने, और इसी के बारे में मैं आज इसका प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, जो कि 2009 का है। 2009 के बाद में हेड कांस्टेबल कोई भी भर्ती नहीं है, उससे उसके बीच में कॉन्स्टेबल की जरूर आई है भर्ती। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दिल्ली बोर्ड ने खुद ही लिया है, दिल्ली पुलिस बोर्ड ने। और इसमें 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर था। इसमें कुल 250 क्वेश्चन के मार्क्स थे, और टोटल क्वेश्चन थे 125 क्वेश्चन थे, और माइनस मार्किंग 1/3 थी दोस्तों। तो बिना वीडियो को देरी के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, ये पहले इंग्लिश में आया था ये पेपर, एक बुकलेट सीरीज एक का है, और 2009 में पहले ऑफलाइन ही होता था। उसके बाद में अभी 2015 का जो कॉन्स्टेबल वाला पेपर हुआ था ऑनलाइन, और एसएससी ने लिया था, ये दिल्ली पुलिस ने ही खुद ने लिया है। दोस्तों, बिना इस वीडियो को देर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, तो दोस्तों आराम से क्वेश्चन को देख लेना। पहला क्वेश्चन, इसमें 2 ही पोर्शन आए थे दोस्तों, पहले बता रहा हूँ। इसमें जनरल इंटेलिजेंस यानी जनरल सामान्य ज्ञान है, और दूसरा पोर्शन आया था इसमें रीजनिंग का, जिसमें कुल 125 क्वेश्चन आए थे। और जनरल एवरेज में जो करंट का जो भी है, इसमें इतिहास, कल्चर, इंडिया का जो भी, इंडिया जीके, भूगोल, और साथ में थोड़ी बहुत इसमें जनरल साइंस भी आई है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि रीजनिंग का है। इसमें पहला रीजनिंग का, जीके का है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कथनों पर पुलित्जर पुरस्कार के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला पहला कथन है, पुलित्जर पुरस्कार स्वर्ण पदक हर वर्ष समाज सेवा या लोक सेवा श्रेणी जीतने वाले अमेरिकी सरकार को प्रदान पत्र प्रदान किया जाता है। दूसरा है, इसमें पुलित्जर पुरस्कार स्वर्ण पदक कभी भी एक व्यक्ति को के लिए प्रदान नहीं किया जाता है। तीसरा है, इसमें चंपा लाहिड़ी वर्ष 2000 में अपनी प्रथम पुस्तक द इंटरफेरेंस ऑफ मालाडीज नामक रघु कथा के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन 1, 2, 3, दूसरा केवल 1, तीसरा है केवल 2 और 3, धीरे 1 और 3 के। और दूसरा क्वेश्चन है, पवन हंस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है। इसमें 4 ऑप्शन है, एक भारतीय वायुसेना में प्रचलित युद्ध विमान, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीसरा चौथा है। दोस्तों, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, आराम से वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एनजीएस के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी विचार करने का क्वेश्चन है, इसमें 3 कथन दिए गए हैं और इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन पढ़ के आराम से बता देना दोस्तों। अगला अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन ऐतिहासिक स्टील वेल सड़क के विषय में सही नहीं है। इसमें 3 कथन दिए गए हैं और तीनों कथन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों, आराम से देख रहे हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके आराम से क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार कीजिए। भारत के इस शास्त्रीय नृत्य को, जिसकी उत्पत्ति रहस्य एक नर्तक के देह के रूप में अनुकूचित गतिक विषयों के लिए माध्यम में आंतरिक भावों विषय वस्तु के कुछ ऐसा अनुच्छेद दिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, मात्रा, झाऊ, गर्भा, चेराव, इनमें से 1 ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगला ये दोस्तों, पहले इसमें इंग्लिश में आया था, फिर हिंदी, अगला पेज हिंदी में, तो मैं हिंदी हिंदी वाला ही बताऊंगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। सहकार बैंक का बैंकर, विदेशी मुद्रा रिजर्व रखना, 1 रुपये के सिक्कों व नोट का निर्गम, देश में क्रेडिट का नियमन। और 7वां क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध आत्मकथक व्याख्यान के विषय में निम्न अनुच्छेद पर विचार कीजिए। अनुच्छेद दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आपको देखकर आराम से पॉज करके वीडियो को देख लेना है। 8वां क्वेश्चन है, इसमें 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा है हर वर्ष ग्रैंड स्टेम टूर्नामेंट के आयोजन का सही कालानुक्रम है। यूएस फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, या फिर ऑस्ट्रेलियन। इसमें बताना आपको हर वर्ष का आयोजन का सही क्रम, पहला कौन सा आयोजन, किस किस टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। उसके बाद ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में आपको देख के आराम से बताना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 5 वर्षों के लिए पदावधि के लिए पूर्ण कर वापस सत्ता में लौटने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बताओ। 2009 का क्वेश्चन पेपर दोस्तों, इसी के हिसाब से इसके क्वेश्चन आंसर हो गए, करंट का क्वेश्चन है इसी के हिसाब से। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, सूची फर्स्ट 11वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में प्रकरण में योजना आयोग द्वारा गठित कार्य समूह का अध्यक्ष को सूची सेकेंड का कार्य समूह का विषय में संदिग्ध कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन है और इसमें अध्यक्ष की सूची और कार्य समूह के विषय की सूची को मिलान करना दोस्तों आपको, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी। और अगला 11वां क्वेश्चन है हमारे सामने, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से पढ़ के आपको 4 ऑप्शन में से टिक लगाना है। निम्न में से अनुच्छेद निर्दिष्ट मंदिर को पहचानिए, को
कुछ अनुच्छेद दिया गया है, इसको पढ़ना है पूरा। उसके बाद में इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं जो मंदिर के बारे में। 13वां क्वेश्चन है, भारत में आधारित संरचना क्षेत्र की हाल ही में गतिविधियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार के, दो क्वेश्चन दो कथन दिए गए, दोनों पर विचार करके चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से सही गलत लगाना है। 14वां क्वेश्चन है, महिला व शिशु पीड़ितों के दुर्व्यवहार पर निर्वाण बचाव हेतु पुनर्वास के लिए व्यापक योजना उज्ज्वला के निम्न विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से एक को सही करना है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के विषय में निम्न में से अनुच्छेद पर विचार कीजिए। कुछ ऐसा अनुच्छेद दिया गया है, इसको पूरा पढ़कर इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को लगाना है। और 16वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को समेकित कीजिए और दिए गए कूट में से आंसर दीजिए। इसमें चार सूची रक्षा संबंधी शब्द दिए गए हैं और चार इसकी व्याख्या की गई है, क्या क्या किया जाता है, और इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इनमें से ऑप्शन टिक करना है। मणिपुर के प्रसिद्ध व्यक्तित्व रतन थाइमन किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, खेलकूद, संगीत, रंगमंच, सामाजिक सुधार, कौन सा ऑप्शन सही हो जाए आपको देख के लगा लेना। 18वां क्वेश्चन आया था, निम्न से अनुच्छेद पर विचार कीजिए और प्रसिद्ध नृत्य तथ्यों के नीचे दिए गए कूट को सहायता से बताइए। इसलिए 2 घंटा पेपर हुआ था, सोचते हैं पढ़ने में इतना टाइम खराब हो जाता है, तो 2 घंटे का पेपर तो बिल्कुल जायज सी बात है। 125 क्वेश्चन आए थे टोटल इसमें, जिसमें से कुछ रीजनिंग कहते हैं, कुछ जीके कहते हैं और कुछ जनरल साइंस के भी थे। 18वां क्वेश्चन आया था, निम्न अनुच्छेद पर विचार कीजिए और अनुच्छेद दिया गया है, इसमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें तीन सही होंगे और एक गलत होगा, तो उसमें देख के आपको आंसर लगा लेना है। 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसको 2008-09 में ई गवर्नेंस कोटि की प्रौद्योगिकी नव परिवर्तक ई गवर्नेंस के नेशनल अवार्ड में स्वर्ण पदक दिया गया है। तो दोस्तों 2009 का क्वेश्चन पेपर, इसीलिए उसका करंट अफेयर 2009 के या 2008 के साल में, एक साल का ही पूछा गया है इसमें। और 21वां क्वेश्चन है, भारत में 12 प्रमुख पतन है, इन 12 पतनों में से 11 के प्रशासन व नियंत्रक प्रबंधन के प्रोट ट्रस्ट द्वारा गठित किए गए, निम्न में से कौन सा एक प्रमुख पतन भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अधिक कंपनी के रूप में निर्गमित किया गया है, जिसे प्रोन ट्रस्ट के बोर्ड के प्रशासित नहीं है। इसमें चार ऑप्शन है, हल्दिया, पारादीप, एन्नोर और कांडला। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, आईएफसी यानी वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2009 के अनुसार भारत किस न्यायालय में या क्या अन्यथा संविधाएं परिवर्तित करने के लिए सर्वाधिक दुष्कर देश है, और दूसरा है UNDIDO रिपोर्ट 2009 के अनुसार प्रतियोगी औद्योगिक निष्पादन सूची में भारत और चीन से आगे है। दो कथन दिए गए, इनमें से चार ऑप्शन को देखना है। अगला 23वां क्वेश्चन है, सुखोई 30 MKI युद्ध वायुयान के विषय में निम्न कौन सा कथन सही है, जो कि करंट का क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन आया था, निम्न अनुच्छेद पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट पर परिच्छेद पर निर्दिष्ट राज्य को पहचानिए। इसमें चार कुछ ऐसा कथन दिया गया है, उसको पढ़ना है। उसके बाद में इसके चार ऑप्शन है, जो राज्य के नाम मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड के बारे में, चारों में एक ऑप्शन को सही करना है। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश के ग्लोबल पीस इंडेक्स सूचकांक 2009 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसमें चार ऑप्शन है, डेनमार्क, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया। 26वां क्वेश्चन, जून 2009 में दिवंगत उस्ताद अली अकबर खां के विषय में निम्न से कौन से कथनों पर विचार किए। दो कथन दिए गए, वे सर्वोच्च संगीतज्ञ थे या उनका संबंध शास्त्रीय हिंदुस्तान संगीत के मेहर घराना से था। दोनों में से कौन सा सही है नहीं है, दोनों या दोनों सही है तो दोनों सही नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए, इनसे देखिए टिक लगाना। 27वां क्वेश्चन है, हमारे पास कौन सा एक वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के दिवस का मूल विषय है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को देख के 2009 का करंट का क्वेश्चन पूछा गया है। 28वां क्वेश्चन, सूची एक और सूची दो को समेकित कीजिए, सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग दीजिए। इसमें दिया नोकिया, सैमसंग, पैनासोनिक, सीमेंस कंपनी में नाम है और इनके प्रचार वाक्य, ब्रांड के प्रचार वाक्य भी दिए गए हैं। 29वां क्वेश्चन पूछा गया है, अनुच्छेद पर विचार कीजिए, उसी कूट से अनुच्छेद नगर को पहचानिए। इसमें यह अनुच्छेद दिया गया है, इसके संबंधित इसमें से कुछ स्थानों के नाम दिया गया, गुट्टूर, त्रिपुर, निरोड़ और सुजनपुर, उड़ीसा। रिचर्ड हाउबुक कौन है, रिचर्ड हाउबुक कौन, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, भारत में यूएस का राजपूत है या फिर भारत में अफगानिस्तान के विषय का यूएस का राजपूत देश का दूत है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए, देख के बताना है। नंदन निकोलानी इन विषय में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, ये चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से देख के आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, आपका टाइम खराब होगा, मेरा भी खराब होगा, इसलिए आपको फटाफट क्वेश्चन को बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आराम से क्वेश्चन को देख सकते हो। 32वां क्वेश्चन है, पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खिलाड़ी स्टीव वॉक के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जो कि करंट का क्वेश्चन है।
निम्न में से कौन सा एक विषय विश्व विरासत हेरिटेज स्थल नहीं है? काजीरंगा, सुंदरबन, राष्ट्रीय उद्यान, कंचन केला देवी राष्ट्रीय उद्यान, इनसे देख के आपको ऑप्शन बताना है। यूएस से भारत के बीच 2009 में हस्ताक्षरित एंड यूज मॉनिटरिंग एग्रीमेंट के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन दिए गए, इनके लिए विचार करना है। इसके बाद में इसका सही गलत कौन सा है, ये केवल एक सही है, दो सही है, या दोनों सही है, तीनों सही है। तो दोस्तों बड़ा क्वेश्चन पेपर कैसा लगा आपको, हार्ड एंड ईजी है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। 3500 क्वेश्चन है। मई 2008 में भारत के उच्चतम न्यायालय के पुलिस को प्रभावी उत्तरदायी राजनीतिक हस्तक्षेप के पृथक बनाने के लिए राज्यों को द्वारा पुलिस सुधारों के कार्यान्वयन हेतु मॉनिटरिंग समिति स्थापित करने के लिए 6 पैरामीटर अधिकृत किए गए। इनमें से कौन सा कथन इस बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्देश नहीं है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आराम से बढ़ गए उत्तर दे सकते हो। 3600 क्वेश्चन, सरसों के तेल में संदूषण से भारत में जानवरीय जल शोध द्रौपदी का अनेक बार प्रकोप हुआ, इसके लिए निम्न में से कौन सा संदूषक उत्तरदायी है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों बताना है। 3600 क्वेश्चन है, एक कृषक अपने खेतों में गेहूं की फसल काटने के बाद सेम की बुआई करता है, निम्नलिखित से कौन सी कृषि विविध अनुरक्षण कर रहा है? बहुशिप उत्पादन, शस्य आवर्तन, या पालियाड़ क्षेत्र, या मिश्रित शस्य उत्पादन। 38वां क्वेश्चन है, जलीय जीव स्थलीय जीव जीवों की तुलना में किन कारणों से अधिक तेज सांसें लेता है? पानी में विलीन ऑक्सीजन कमी से, उच्च रक्त हीमोग्लोबिन कमी से, जलीय जीवों की उच्च उत्सर्जन से, बाहर में विलीन नाइट्रोजन की अधिक से अधिकता मात्रा से। अगला है 39वां क्वेश्चन, जॉइंट पांडा के विषय में निम्न से कौन सा क्या कथन सही है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों से देख के आपको बता देना है। और 40वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन फ्लेवर सेवर टमाटर के बारे में सही कथन नहीं है? तीन ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन इसमें गलत होगा, तो दोस्तों गलत हो जो वही ऑप्शन टिक करना है। 41वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन जीव मंडल रिजर्व के बारे में सत्य नहीं है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही नहीं है वो बताना सही है, जो तीन सही होंगे, एक इसमें गलत होगा। 42वां क्वेश्चन है, नीम जैसे रसायनों के बारे में मधुमेह रोगी डायबिटीज व्यक्ति को दिया जाने वाला कृत्रिम मधुरक है, एस्पार्टेम, माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, या चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो आपको बताना है। भारतवर्ष में 43वां क्वेश्चन है, भारतवर्ष में कुल कुछ भागों में गावावासी केले के पौधे को जलाने से प्राप्त राख को जल सार को सोडा के प्रतिस्थापन के रूप में प्रयोग करते हैं, नीम जैसे सार का प्रमुख घटक का क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। 44वां क्वेश्चन है, सूची एक सूची दो को समेकित कीजिए। सूची का एक में प्रकम है और दूसरा में उसका संदूषक है, और इसको देख के आपको कर लेना सही। 43वां क्वेश्चन, भारतवर्ष में कुछ भागों में भूमि भूगर्भिक जल के उपयोग में दांत कर्बूरे अस्थि शक्ति कौन सा उत्पन्न है? इसमें कौन सा एक रोग उत्तरदायी है? फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन और कार्बोनेट आयन। 43वां क्वेश्चन, कभी स्थानीय स्तर पर निर्मित एल्कोहलिक पेय उपभोगों से अंधाधुंध मृत्यु भी हो सकती है, इस पेय को संदूषक के कारण हो सकता है, सिरका, कार्बोलिक अम्ल, मेथिल एल्कोहल, फॉर्मिक अम्ल। 47वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक लेंस का उपयोग को लेंस लेबल पर छपे अत्यंत लघु अक्षरों को पढ़ने की समय तारीख दी जाएगी? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। और 48वां क्वेश्चन, जैसे ही शरीर जैसे ही एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झटका खाते हैं, इसका स्पष्टीकरण किस रूप में दिया गया है? शून्य कोटि गुरुत्व नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम। 49वां क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से देख कर बताना है। 50वां क्वेश्चन है, परिच्छेद पर संबंध है, यह कुछ परिच्छेद दिया गया है, इसका संबंध इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, किससे संबंधित है ये बताना है आपको। 51वां क्वेश्चन है, उपनिवेशी भारत के प्रेस के एवं साहित्य के विषय में निम्न से कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए हैं और तीन कथनों में से चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक और तीन, दो और तीन और केवल दो, और केवल एक और दो। 52वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए हैं, इनमें से चार ऑप्शन इसके दिए गए हैं। 53वां क्वेश्चन है, भारतीय आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए हैं, इनमें से दो तीन कथन, चार ऑप्शन दिए गए हैं। कुछ मुगल सम्राट अकबर के राज्यकाल में संबंध में निम्न से विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए और चार ऑप्शन दिए गए हैं। निम्न में से कौन सी महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व समझौते की शर्त के रूप में सरकार से की गई मांग नहीं थी? सरकार रोलेट एक्ट वापस ले, सरकार जालियांवाला हत्याकांड, ब्रिटिश तुर्क सफलतापूर्वक। और 56वां क्वेश्चन है, मोटराना हथियाना किसे निर्दिष्ट करते हैं? वे बाजार में किसानों की उपज लाते हैं, जमींदार द्वारा किसानों पर लगाए गए कर, जमींदार द्वारा मोटरकार पर हाथी का उपयोग करने के लिए किसानों द्वारा दिए गए लगान, मोटरकार द्वारा हाथी पर रखने वाले जमींदारों के उपनाम। क्या इसमें से ऑप्शन देखे बताना है?
57 क्वेश्चन, राजा राजमोहन राय के रविंद्रनाथ टैगोर के निम्न से कौन से विचारों को सहभागी थे, चार ऑप्शन दिए गए हैं। 58 क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किसके लिए बनाई गई है। और 59वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय व्यापार वाणिज्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 60वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भद्रबाहु के बारे में सही है। दो कथन दिए गए हैं और इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। 61वां क्वेश्चन है, बौद्ध सिद्धांत के अनुसार शिला के अनुपालन और समाधि एवं प्रज्ञा के प्राप्ति से निर्वाण प्राप्त होता है, यह शिला क्या परंपरा है। इसमें चार ऑप्शन, चार ऑप्शन। 62वां क्वेश्चन है, कालिदास से लिखित मालव विक्रमगिरिमित्र का नायक अग्निमित्र किस राजवंश से था। 63वां क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2004 व 2005 के लिंग समानता के लिए बजटन का मिशन कथन अपनाया गया है, इस प्रसंग के निम्न कथनों पर कौन सा सही है कि कौन सा सही नहीं है। कौन सही है, एक कथन, दो कथन दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं। 64वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन गठित किया गया है, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन जिसमें सही है और एक ऑप्शन गलत है, देखकर बताना है। 65वां क्वेश्चन, सूची एक दो को समेकित कीजिए, इसमें दिए गए कुछ आयोग के नाम और इसमें दिए गए सूची विषय। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 66वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपबंध घरेलू हिंसा महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन घरेलू हिंसा के व्याख्या के अंतर्गत प्रत्यक्ष सम्मिलित नहीं है। इसमें चार ऑप्शन है, इसमें तीन तो होंगे और एक नहीं है, वही ऑप्शन सही होगा आपका। 67वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से आंदोलन समाजशास्त्रीय और पारिस्थितिक दोनों संबंधों में है। जिसमें चार ऑप्शन है, चिल्का बचाओ, समुद्रवाद, नर्मदा बचाओ, उपनिवेशिक भारत, मजदूर संघ आंदोलन। 68वां क्वेश्चन, कौन सा शून्यकाल का सही वर्णक है, नहीं है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। और 69वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। 70वां क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है भारत का महान न्यायवादी के लिए बारे में, कुछ चार ऑप्शन दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, उसमें से चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, जो चारों को देख के बताना है। भारत के निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री को लोकसभा के में कभी भी विश्वास मत मांगना पड़ा, कभी भी विश्वास मत नहीं मांगना पड़ा, कौन सा वो प्रधानमंत्री है दोस्तों, बताना है। 72वां, किससे जुड़े कारणों से संसद निवारक निरोध की विधि अधिनियमित करने के लिए हकदार है, रक्षा, विदेश मामले, रक्षा और सुरक्षा, उपयोग सभी। और अगला क्वेश्चन है 73वां क्वेश्चन, निम्न में से भारत का कौन से प्रधानमंत्री को बजट पेश नहीं किया, चार ऑप्शन दिए गए हैं, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। इसमें जब मोरारजी देसाई हो जाएगा, जो कभी लोकसभा में गए नहीं है। 74वां क्वेश्चन है, निम्न में से कथन पर विचार कीजिए, तीन कथन दिए गए हैं, इनमें से चार ऑप्शन दिए निकाल बताने आपको। 75वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक विनियमित बजट पारित होने के लिए लंबित होने के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष के भाग में के लिए प्रकलित व्यय के बारे में लोकसभा द्वारा स्वीकृत अग्रिम अनुदान है, चार ऑप्शन दिए गए। क्षेत्र किसने, 2006 में भारत की सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेश की वित्तीय क्षेत्र के पूर्ण स्वास्थ्य जांच के गठित वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति CFSA का अध्यक्ष निम्न में से कौन है था, चार ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर श्री अशोक चावड़ा, श्री अशोक झा, डॉक्टर राकेश मोहन, डॉक्टर डी सुब्बा राव। 77वां क्वेश्चन है, निम्न में से एक रासायनिक शीतकालीन मौसम में निम्न में से एक कारण से शीतकालीन मौसम में भारत के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा होती है, किस कारण से होती है। 78वां क्वेश्चन, ज्वार परिसर क्या घोषित करता है, समुद्री जीवों का उत्पादन, उसका तट की ओर संतुलन, या तीन चार ऑप्शन दिए गए हैं। और 79वां क्वेश्चन है, निम्न में से कथनों पर विचार, ये तीन कथन दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं। 80वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राज्य तीन राज्यों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कौन सा राज्य है, त्रिपुरा है दोस्तों, इसमें ऑप्शन सही है सी। 81वां क्वेश्चन है, निम्न में से महादेशों में निम्न में से एक भूकंप रेखा कर्क रेखा मकर रेखा से गुजरती है, बताना, तीनों एक से भूक मध्य रेखा से गुजरती है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। 82वां क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रयोगशाला है जहाँ 1958 ईस्वी से कार्बन डाइऑक्साइड के मापन के लिए जो वर्तमान भूमंडलीय तापन डेटाबेस के आधार पर बनाते हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं। 83वां क्वेश्चन है, उस मृदा का क्या परिणाम होता है जिसके मृदा जल जमकर भूपृष्ठ के समांतर बर्फ की परतें बनाने लगता है। 84वां क्वेश्चन है, सुनामी लहरों के जब तट की ओर जाती है जब जल की गहराई पर क्या प्रभाव पड़ता है। 85वां क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए, उत्तर दीजिए। 66वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा
एक भूमंडलीय पवन है, मानसून, व्यापारिक चिनुक, मिस्ट्रल। 87 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जलवायु का नियंत्रक नहीं है? अक्षांश, तुंगता, रेखांशन, वनांचल। 88वां क्वेश्चन है, निम्न में से भारतवर्ष के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में एक प्रकार का वन आच्छादित है, कौन सा है? हिमालय नमशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती उष्णकटिबंधीय नम उष्णकटिबंधीय सदाहरित। 89वां क्वेश्चन है, एक बाकी दोस्तों ये रीजनिंग के संबंधित क्वेश्चन है। 89वां क्वेश्चन है, एक किसी कार्य को 10 दिन पूरा करता है जबकि 20 किसी कार्य को 12 दिन में 15 दिन में पूरा करता है, तो कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे? जो भी मैथ का क्वेश्चन है, तो हल्का क्वेश्चन, मैथ भी है थोड़ी बहुत नॉर्मल। और अगला है 90वां क्वेश्चन है, कमला की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई, उसकी आज उसकी आयु शादी के समय की आयु के 1 से 1/4 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु उसकी आज की आयु का 1/10 गुना है, तो पुत्र की आयु क्या है? अगला क्वेश्चन है, घड़ी की सुई 4:15 रात 10 बजे के बीच कितनी बार समकोण पर होगी? 92वां क्वेश्चन, अगर शनिवार आज 6 जनवरी से 4 दिन पहले पड़ता है, तब पिछले 1 वर्ष दिसंबर से कौन सा दिन पड़ेगा? 93वां क्वेश्चन है, आर पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? और 94वां क्वेश्चन है, वुमेन को ये इससे लिखा जाता है, सर्वेंट को इससे लिखा जाता है, कुडले वोटर को क्या लिखा जाए, क्या लिखा होगा? 95वां क्वेश्चन है, अगला पद बताना दोस्तों, तो 4 पद क्रम में दिए गए हैं, उसका अगला पद बताना है। 96वां क्वेश्चन है, लुप्त संख्या सारणी इनमें से, और 97वां क्वेश्चन है, इनमें से निम्न में से एक पदार्थ के खंड है, इनमें से सबसे भारी कौन सा होगा? लंबाइयां, चौड़ाइयां और ऊंचाई के बराबर दी है, तो इसमें बताना कौन सा इसमें से भारी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 98वां क्वेश्चन है, वेन आर एक्स से आया दोस्तों, इसमें स्नातकोत्तर वक्ता अच्छे वक्ता डॉक्टरों को प्रदर्शित करता है। 99वां क्वेश्चन है, कोई एक व्यक्ति एक वृत्तीय पथ पर उसकी परिधि के आधे भाग के बराबर दूरी एक निश्चित समय से तय करता है, उसकी औसत गति और उसका वेग का अनुपात क्या होगा? और 100वां क्वेश्चन है, किसी वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है और जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है, अगर छाई भाग के क्षेत्रफल का 3/32/7 इकाई है, तब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 101वां क्वेश्चन है, गति किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन x-t आलेखित दिया गया है, x-t का ग्राफ दिया गया है जिसमें उसकी प्रथम सेकंड में गति के आगे अगले 2 सेकंड में गति का अनुपात क्या होगा? नीचे दिए गए 102वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए वेन आरेख के बारे में समझाइए, वेन आरेख का क्वेश्चन है दोस्तों। और अगला है 103वां क्वेश्चन, बताना है अगला अनुक्रम का अनुक्रम से संबंधित क्वेश्चन है, जिसे अगला अनुक्रम बताना है कौन सा होगा। 104वां क्वेश्चन है, इसमें विचार करना, 3 कथन दिए गए हैं, कथनों के हिसाब से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 105वां क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में काम करते सारणी में कितने घंटे वो काम करने, तो कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन आया है। 106वां क्वेश्चन है, हमारे सामने वेन आर एक ग्राफ से संबंधित है। 107वां क्वेश्चन है, वेन आर एक्स से है। 108वां दिशा नहीं, 108वां क्वेश्चन है, उपयुक्त चित्र में किसी कमरे की दिखाई गई लंबाई चौड़ाई व कारपेट का क्षेत्रफल पर क्या होगा? क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है। 109वां क्वेश्चन है, कुछ ऐसा चित्र दिया गया है उसमें से इसके नाप दिए गए, एंगल दिए गए, तो बी का मतलब रेखा का बताने वाले पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन है। 110वां क्वेश्चन है, 8 संतरों की लागत 5 सेबों की लागत के बराबर है, तो उसमें 3 आमों की लागत उसके बराबर, 4 आमों की लागत 8 अनानासों की लागत के बराबर है, तो अगर 3 अनानासों की लागत 36 रुपये है, तो 1 संतरे की लागत क्या होगी? 111वां क्वेश्चन है, a+b को ये लिखा जाए तो तब विचार कीजिए इससे क्या होगा। 112वां क्वेश्चन है, एक अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रश्नों से कुछ प्रतिशत सम्मान क्वेश्चन है, और ये आयु संबंधित प्रश्न है। 113वां और 114वां क्वेश्चन आया है कुछ ऐसा, 115वां क्वेश्चन है, फिर भी वह वेन आर एक से आया है। 116वां क्वेश्चन है, पुरुष व स्त्रियों के समूह से आयु संबंधित क्वेश्चन है, प्रतिशत से मन। और 117वां क्वेश्चन है, वेन आर एक से संबंधित। 118वां क्वेश्चन है, रेखांकित। 118वां क्वेश्चन है, निम्न में से दिए गए चित्र वृत्त संकेंद्री है, तो फिर कोई चतुर्थांश अंतरतम वृत्त के रेखा के दिया जाता है, उसकी कौन सी संख्या अंकित की जाएगी? यहाँ पे बताना कौन सी संख्या संख्या आएगी। और 119 है, आयत की चौड़ाई है, लंबाई है, तो आयत के क्षेत्र में परिमाप क्या होगा? 120वां क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज दर्शाता है, तो उसकी दोनों भुजाएं
तो प्रत्येक भुजा में दोनों तरफ बढ़ाई गई है, तो छाएं की डिग्री का माप का कोण होगा, क्या होगा? एंगल बनाना है। 121 में कुछ इसके निर्देश भी दिए गए हैं। 121 में कथन निष्कर्ष से है, कथन दिए गए हैं दो ए और आर, और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं इसने। और 122 में भी कथन निष्कर्ष से सवाल है, इसके दो ऑप्शन देने हैं आपको, जिसमें पहले भी यहाँ पे बता रखा है निर्देश में, लिखा है आगामी 5 प्रश्नों यानी 121 से 125 तक वाक्यों में दो वक्तव्य यानी दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और दूसरे कथन का कारण आर कहा गया है, इस दोनों वक्तव्य में सावधानी पूर्वक प्रश्न कीजिए, और 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको उनके ऑप्शन के उत्तर देने हैं। 121 में बता दिया, अब 122 कथन है, 122 क्वेश्चन है, ये रहा कि दो कथन दिए गए हैं और एक तो कथन है दूसरा इसका कारण है। 123 क्वेश्चन है, 124 में गैर निर्वाह कृषि के क्षेत्र में पशुपालन का नगण्य भूमिका है, तो कारण क्या है इसका? पूर्व एक वैज्ञानिक प्रजनन द्वारा बाहु पशुपालन की बाधाओं का सामना करते हैं। 125 क्वेश्चन कुछ ऐसा है दोस्तों, ये था पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का, जो कि 2009 में ऑफलाइन हुआ था, उसके बाद अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जरूर हुआ पेपर, जो कि पहले इसका राजधान पहले इसका पेपर दिल्ली पुलिस वाले ही लेते थे, अभी इसका एसएससी वाले ले रहे हैं। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट पेपर 125 क्वेश्चन वाला, दोस्तों यही ओरिजिनल पेपर है, और यूट्यूब पर आपको बहुत सारे पेपर बता रहे दोस्तों वो कि पूरा पूरा फेक पेपर है। दोस्तों ये ओरिजिनल पेपर था, जो कि मैंने पहले पेपर देने वाले उस पीडीएफ की पहले सेव कर रखी थी, जिसमें सामान्य योग्यता और बुद्धिमत्ता वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ 250 क्वेश्चन थे, 2 घंटे का पेपर था, और -1/3 माइनस मार्किंग थी दोस्तों, तो कुछ ऐसा पेपर था पेपर एग्जाम। ये वीडियो कैसा लगा, कुछ हेल्प हुई तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाए दोस्तों, आने वाले अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। तो इसके बाद में सीआरपीएफ का पेपर भी मॉडल पेपर भी चढ़ा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर का होगा, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करके जाएँ। सीएएसएफ का ट्रेडमैन का हेड कॉन्स्टेबल का चढ़ा रहा हूँ पेपर, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसलिए इसी शुभकामना सर, टेक केयर, धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बब्बा।